हेलो डियर पाइसिस, पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश कुमार ट्रिपल सिंह से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की जनरल 3 कार्ड क्लेरिफिकेशन वाली रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जो है 23 से लेकर 31 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पाइसिस के जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, और फिर देखेंगे कि आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, उनके लिए क्या सोचते हैं। इसके बाद देखेंगे कि दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं पाइसिस आपके पर्सन की आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। 10 ऑफ कप्स, वाओ। तो पाइसिस आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि अगर वो चाहें यानी कि पाइसिस चाहें तो अभी भी रिश्ता खुशहाल बन सकता है, एक फैमिली एक परिवार बन सकता है, फिर सारी खुशियां वापस इस रिश्ते से वापस आ सकती हैं। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि उन्हें लग रहा है कि अभी उन्हें फैमिली और परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ उन्हें पीस सकून और शांति मिल सके, ताकि नेगेटिविटी खत्म हो सके और पॉजिटिवली वो आगे बढ़ सके। तो क्योंकि इसमें ये एक क्लेरिफिकेशन वाला कार्ड है तो एक कार्ड के कई मीनिंग इधर हमारे बनते हैं, तो इसको हम क्लेरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड है द हार्मेट, द लवर्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो द हार्मेट, द लवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पाइसिस जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है। प्यार प्यार है, मोहब्बत है, वो उनसे भी काफ़ी डीप वाला प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छिपा हुआ प्यार, हिडन लव उन इसके पीछे दिखाई दे रहा है, हर कार्ड यही बता रहा है। तो ये अभी वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, वो अभी चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, हीलिंग हो, मेडिटेशन हो, अपने आप को अकेला रखा जाए ताकि उनके अंदर से उनकी अंतरात्मा उन्हें जवाब दे सके कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, रिश्ते की इम्पोर्टेंस उनको समझ में आए। तो फिलहाल के लिए वो इस रिश्ते में कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहते, डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लेना चाहते हैं, क्योंकि वो आपस में क्लियरली बातें करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी प्यार के साथ साथ मोहब्बत के साथ साथ हिडन लव भी कहीं ना कहीं इसमें दिखाई दे रहा है। तो अभी इसलिए उनको लग रहा है कि अभी वो परिवार और फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे या फिर ऐसे जगह पर जाएंगे ऐसे लोगों के साथ जिन्हें जिनके साथ उन्हें परिवार और फैमिली जैसी वाइब्स आती हैं, ताकि नेगेटिविटी खत्म हो, पॉजिटिविटी आए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने आप को स्ट्रेस मुक्त कर सके। तो इस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। अब देख लेते हैं पाइसिस आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। एस ऑफ कप्स, तो पाइसिस आपको महसूस हो रहा है कि अगर इस रिश्ते में यूनिवर्स ये अच्छे आइडियाज दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का, तो उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट किया जाता है। तो धीरे धीरे करके जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, दुख के बादल है, वो खत्म होंगे, समय के साथ वक्त के साथ सब सही होगा और ये रिश्ता सक्सेसफुल कामयाब हो सकता है। तो अगर इस क्योंकि इसमें एंजल जी भी इसमें संकेत दे रहे हैं कि ये रिश्ता फिर से स्टेबल हो सकता है, ऐसा आपको फील हो रहा है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन। तो पाइसिस आप जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करते हुए आपको लग रहा है कि
अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तो जो है आपके आप ये नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिवली चीजों को देख पाएंगे। और अगर आप नज़ारा नहीं देख पा रहे तो नज़रिया बदलने की कोशिश करेंगे, या तो अपने नज़रिए से या तो फिर सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, ताकि चीज़ें पॉजिटिव हो जाएं। जो ये एंजाइटी स्ट्रेस है, जो बार बार आपको लग रहा सैड बैठे हुए हैं, उदास बैठे हुए हैं, सैडनेस है, उदासी है, कि आपको वही पर्सन अपनी लाइफ में वापस चाहिए, तो आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए इस नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे, आप उठेंगे चलेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, उनकी तरफ, अपने पर्सन की तरफ एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाएंगे, ताकि धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ेंगी, फिर से बिगनिंग शुरुआत होगी और सही समय सही वक्त आने पर ये रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब होगा। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है, देख लेते हैं, या हो सकता है कि आपके पर्सन भी ऐसा आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देख लेते हैं पाइसिस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, पाइसिस आपके पर्सन इसमें कमिटमेंट चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, फिर से उनकी तरफ से कोई गिले शिकवे नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वो आपके साथ इस रिश्ते को फ्रूटफुल कामयाब बनाना चाहते हैं, उनको घर बनाना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि इसमें फिर से कोई परेशानी तकलीफ ना हो। अचानक से बॉटम ऑफ डेक मिला तो इसमें जस्टिस, तो ये बता रहा है कि पाइसिस जो आपके पर्सन है वो हर हालत में जस्टिस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो जिसने जैसा कर्म कांड किया है उसके अकॉर्डिंग उनको फल मिले, और अगर वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं तो एक दूसरे को माफ़ कर दें, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, और लाइफ में फिर से कोई ऐसी गलती ना दोहराएं कि यूनिवर्स को बैकफायर करना पड़े। तो इसलिए वो चाहते हैं, हर हालत में वो जस्टिस चाहते हैं कि आगे उनकी भावनाओं के साथ ना खेला जाए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, तो हमारे पास कार्ड्स आए, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड द मून। तो पाइसिस जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं कि जो ये अननोन फियर है, जो ये डरावने सपने उनको बार बार डरा रहे हैं, तो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, उन्हें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की बजाय अगर आमने सामने क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं, और ये डिसाइड कर लेते हैं कि सोच विचार करके वो इस रिश्ते में ठहराव लाएंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर से एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, और इसमें कमिटमेंट वगैरह वो देंगे, आगे कोई भी कंफ्यूजन परेशानी उनकी तरफ से नहीं होगी, तो वो इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए रेडी तैयार हैं, घर बनाना, घर बसाना, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि फिर से उनकी भावनाओं के साथ ना खेला जाए, कुछ ऐसा धोखा, कोई ऐसा सीक्रेट्स, कोई राज, कोई मिस्ट्री ना रखा जाए जो बाद में प्रॉब्लम दे, और अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार करते हुए वो इस रिश्ते में आगे बढ़े और इस रिश्ते को खुशहाल बनाएं। ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। आप देख लेते हैं पाइसिस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, पाइसिस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, तो
आपके पर्सन अभी, क्योंकि उनका वो हर्टेड है, अभी भी जूझ रहे हैं, परेशानी और दुविधा में हैं। वो आपसे चाहते हैं कि इस सोर्स रूपी दीवार से आप बाहर निकलें। जो जो दिल दुख रहा है, जो मन दुख रहा है, जो हर्टेड हुए हैं उनकी वजह से, जो प्रॉब्लम हुई है इस रिश्ते में, तो उनसे धीरे धीरे करके आप समय लें और धीरे धीरे करके इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलें। समय के साथ, वक्त के साथ इन चीज़ों से आप बाहर निकल पाएंगे और ऐसी जगह पर जाएं जहां आपको पीस, सुकून, शांति मिले, आपकी भावनाओं को समझा जा सके, इस नेगेटिविटी से, इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से बाहर निकल सके। जो ये हिडन लव का या जो दूसरे के प्रति अफेयर होना, दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील करना, तो वो ये भी चाहते हैं कि आप यहाँ से अपना घर बदलें, सिटी बदलें, जगह बदलें, जहाँ आपको सुकून और शांति मिले, आपकी भावनाओं को समझा जा सके, ये दुख दर्द खत्म हो और नए सिरे से आप लाइफ में आगे बढ़ सकें और उनके साथ कोई माइंड गेम मैनिपुलेशन ना करें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ चीज़ें सही हो सकें। आप सोच विचार करके कमिटमेंट दें, थोड़ा सा वक्त लें, लेकिन अगर उनको ये भी लगता है कि अगर आप कमिटमेंट वगैरह वगैरह देंगे तो आप इसमें खरे उतरेंगे, तो वो चाहते हैं कि सोच विचार करके आप इसमें कमिटमेंट दें, और ताकि जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी विश फुलफिल है, वो जो भी दिली तमन्ना है, जिस चीज़ के लिए हीलिंग मेडिटेशन हो रहा था या जिस चीज़ के लिए बहुत दिनों से परेशानी हो रही थी, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते में स्टैंड लिया जाए। अपने लिए या अपने प्यार के लिए अगर स्टैंड लेंगे, चाहे अपनों के ही विरुद्ध क्यों ना जाना पड़े, तो लेकिन चीज़ें सही हो सकती हैं और इस नेगेटिविटी को ख़त्म किया जा सकता है, स्ट्रेस को ख़त्म किया जा सकता है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। अब इसका आउटकम देख लेते हैं क्या होगा। पाइसिस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में होती दिखाई दे रही है। स्लो एंड स्टडी विंस द रिस, धीरे 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 करके रिश्ता आगे बढ़ेगा, लेकिन स्टेबल होगा, कामयाब जरूर होगा, तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है। तो इसमें कार्ड साइज 7 of Swords, द सन, व्हील ऑफ फॉर्चून, तो नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए सरल और सीधे रास्ते से, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी चालबाजी के, बिना किसी धोखाधड़ी के, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं, कोई चोरी चकारी, कोई हेराफेरी, कोई सिगरेट्स नहीं रखते, तो और जो भी इस रिश्ते में लस्ट या एडिक्शन रही है उनको छोड़ते हुए, उस बिना किसी चालबाजी, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्स जो अच्छा समय, अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आगे बढ़ने का, तो उस समय को अगर यूटिलाइज करते हैं, इस पर वर्कआउट करते हैं, तो धीरे धीरे करके फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ लौट कर वापस आ सकती हैं, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम बढ़ सकता है और फिर से चीज़ें सही हो सकती हैं बहुत जल्दी, अगर बहुत जल्दी उनके घर आंगन में एक नया बच्चा या एक नया बच्चा, नया मेहमान भी आ सकता है, यानी कि एक प्रेगनेंसी को भी ये रिश्ता दर्शाता है कि ये कार्ड कि बहुत जल्दी उनके घर आंगन में एक बच्चे की आने की खुशी भी उन्हें मिल सकती है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज, पाइसिस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। द सन, 3 of Cups एंड 7 of Cups, तो यूनिवर्स ही मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं
कि आप इस कंफ्यूजन से बाहर निकलिए, सोच विचार करके डिसीजन लीजिए। क्योंकि अगर आप नए रिश्ते में जाते हैं, नए अपॉर्चुनिटी की तरफ जाते हैं, हो सकता है कि आपके पास नए ऑफर आ रहे हैं, नया रिश्ता भी आ रहा है, लेकिन अगर आप वो रिश्ता भी आपको भ्रमित कर सकता है, फंसा सकता है, तो सोच विचार करके आप एक दूसरे के साथ टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच डिनर, ब्रेकफास्ट कीजिए, गेट टुगेदर कीजिए, ताकि उस नेगेटिविटी से बाहर निकल सके, उस स्ट्रेस से, उस एंजाइटी से बाहर निकल सके और धीरे धीरे करके रिश्ता अलायंस हो सके, खुशियाँ आ सके, अबंडेंस आ सके, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस मिल सके और आपके घर में एक नया मेहमान, नई खुशी मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।